सैमसंग FRP बाईपास टूल, ऑल FRP बाईपास आप लोग कर सकते हैं एक ही क्लिक में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूल आ चुके हैं जिसमें आप इजीली तरीके से अपनी गूगल अकाउंट बाईपास कर सकते हो। जिन लोगों का फ़ोन लॉक हो जाता है रीसेट करने के बाद, या किसी भी मिस्टेक से उनका फ़ोन रीसेट होने के बाद अपना अकाउंट भूल जाते हो ईमेल आईडी पासवर्ड, तो आप इजीली तरीके से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। तो बने रहिएगा वीडियो में पूरा अंत तक, मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा वो टूल है किससे आपको थ्रू अपने फ़ोन को FRP बाईपास कर लोगे, एंड्रॉयड वर्जन कोई भी हो, एंड्रॉयड 12, 13 जो भी एंड्रॉयड वर्जन है, और सैमसंग का किसी भी मॉडल का फ़ोन हो, आप लोग इजीली FRP रिमूव कर सकते हो। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस टूल से आप लोग काफ़ी इजीली अपने फ़ोन को अनलॉक कर लोगे। तो फाइनली जो भी आप FRP करना चाहते हो बाईपास, सैमसंग A51 है या A31 है या A21 या M21, तो ये सारे फ़ोन FRP गूगल अकाउंट बाईपास कर सकते हो। तो फाइनली इस गूगल में जाना है और इस टूल को सर्च कर लेना है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इस टूल को आप लोग को डाउनलोड करना है, उसके बाद अपने PC में इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आपको जो है ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है, सैमसंग MTK या क्वालकम जो भी उसका CPU है उसे आप लोग डाउनलोड करके अपने PC में इंस्टॉल करके अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट, और उसके बाद आप अपने फ़ोन का गूगल अकाउंट रिमूव कर लोगे, इजीली आप लोग का फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे यूज़र ऐसे हैं जिनका फ़ोन नहीं खुलता, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, सैमसंग A51 या A31, तो इजीली तरीके से खोलोगे, क्योंकि मैं अपने शॉप पे काफ़ी सारे टूल का यूज़ करके फ़ोन अनलॉक करके देता हूँ कस्टमर का, और खुल भी जाता है और काफ़ी कुछ चार्ज भी लेता हूँ, और बहुत सारे मैंने वीडियो डाल रखे अपने चैनल पर, तो आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह से आप लोग को अपना फ़ोन बाईपास करना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, और इस टूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। बाय फ्रेंड्स।